अगर आपने अभी नया नया टी शर्ट बिजनेस शुरू किया है एंड कंफ्यूज है कि टी शर्ट डिजाइन कहाँ से बनाए कैसे बनाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। बहुत लोगों का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम AI से डिजाइन बनाए तो क्या हम पे कॉपीराइट आएगा या फिर नहीं। भाई हमें एक ऐसा रास्ता बताओ जहाँ से हम AI से डिजाइन बनाए एंड कॉपीराइट भी ना आए। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। और हाँ, गिवअवे का विनर्स भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले, मतलब डिसाइड करने वाले। अगर जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, पिछले वाले वीडियो में हमने एक गिवअवे किया था 3 ओवरसाइज टी शर्ट का। तो जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं तो अच्छी बात है, आज इस वीडियो में विनर डिसाइड करेंगे, 3 विनर चूज करने वाला है। तो अब गिवअवे का विनर जो है उस इस वाले टाइम स्टैम्प पे आप जाइए, इस वाले टाइम स्टैम्प पे गिवअवे का रिजल्ट अनाउंस होगा। मगर उससे पहले इस वीडियो की बात करते हैं, आप कैसे टी शर्ट डिजाइन बना सकते हैं, AI की हेल्प से कौन सा टूल है एंड विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक, विदाउट कॉपीराइट आप स्मूथली बना सकते हैं। सो आप भी कैसे कर सकते हैं आपको दिखाते हैं। तो डिजाइन के लिए हम यूज करने वाले हैं Adobe Firefly। इसमें आपको AI टूल मिल जाता है जिससे आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। एंड बात आता है कॉपीराइट की, तो आपको दिखाते हैं। आप इन डिजाइन को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो अगर बेटा नहीं है तो, यानी बीटा वर्जन में नहीं है तो आप इसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम टूल यूज करने वाले हैं वो 100% आप यूज कर सकते हो कमर्शियल पर्पस के लिए। प्लस उसके साथ और सेफ्टी करने के लिए हम डिजाइंस को चेंज करना भी सीखेंगे, जिससे आपको कॉपीराइट कोई दे ही नहीं सकता कोई भी कंपनी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा Adobe के वेबसाइट पे, Adobe Firefly। तो यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, काफ़ी इजी, आप गूगल से बना सकते हैं। उसके नीचे आपको जाना है जेनरेटिव फील पे। ओके, जेनरेटिव फील है एंड टेक्स्ट टू इमेज भी है। तो इस वीडियो के लिए हम टेक्स्ट टू इमेज यूज़ करने वाले हैं। इम्प्रूव वाला एक ऑप्शन, यानी अभी वर्ड्स भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, तो आपको क्लिक करने क्रिएट विथ Firefly। एंड ये सारा कुछ मैं अपने लैपटॉप पर दिखा रहा हूँ, मगर आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से, बस अपना डेस्कटॉप मोड को ऑन कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू जनरेट, यानी आप कौन सा इमेज जनरेट करना चाहते हो, यानी कैसा डिज़ाइन बनाना चाहते हो। सबसे पहले कोई भी बिजनेस के लिए आपको एक जॉनर सेलेक्ट करना है, एक टॉपिक, एक कैटेगरी, कि आप किसके ऊपर टी शर्ट बनाना चाहते हो। ट्रैवलिंग के ऊपर, कैट्स के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, फैमिली, लव, या फिर करियर, स्पोर्ट्स, बाइक्स, कोई भी एक टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा। ओके, मैं इस वाली वीडियो के लिए ट्रैवलिंग चूज़ करने वाला हूँ, ट्रैवलिंग के ऊपर मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा ट्रैवलिंग डिज़ाइंस एंड जेनरेट, बस इतना ही ईजी है। तो हमारे सामने 4 डिज़ाइन आ चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप प्रॉम्प्ट्स में कुछ छोटे बहुत चेंजेस, मतलब थोड़े बहुत छोटे चेंजेस करके भी पूरा डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। मैं अभी टी शर्ट का डिज़ाइन बनाने वाला हूँ मिनिमलिस्टिक, यानी कम डिज़ाइन होगा मगर अच्छा दिखेगा। ये ज़्यादा डिज़ाइन है, मैं ऐसा टी शर्ट नहीं बनाना चाहता, मतलब अगर आप चाहे तो बना सकते हो, बस मैं और भी पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, आप कैसे अपने प्रॉम्प्ट्स को चेंज करके डिज़ाइंस को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं बस एक चीज़ डालूँगा, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, मिनिमलिस्ट यानी काफ़ी कम डिज़ाइन होगा मगर अच्छा होगा। तो जनरेट पर क्लिक करते हैं। देखिए, एक छोटा सा वर्ड के चेंज करने से पूरा का पूरा हमारा डिज़ाइन चेंज हो गया। अब देखिए, ये वाला डिज़ाइन उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्लीन लग रहा है। अब ये वाला मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसे मैं कर लेता हूँ सेव। अब ये वाला हम सेव करने वाले हैं, तो उसके लिए हम ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट ऐसे। फ़ोन से कैसे स्क्रीनशॉट लेते हो आपको पता ही होगा, फ़ोन से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है। अब हमने सेम प्रॉम्प्ट डाला है, मगर उसके लिए उसके पीछे फॉर टी शर्ट डाला है, यानी डिज़ाइन फॉर टी शर्ट। अब पूरा का पूरा डिज़ाइन और भी ज़्यादा चेंज हो चुका है, हमें एक राउंड वाला सेव मिल रहा है, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसे भी हम कर लेते सेव, यानी स्क्रीनशॉट कर लेते। इसको हम आगे एडिट करने वाले हैं, उसके लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। अब डालेंगे ट्रैवलिंग डिज़ाइन, तो हो गया। ट्रैवलिंग के ऊपर क्या क्या आ सकता है, माउंटेन्स आ सकता है, सीज आ सकता है, या फिर पिरामिड्स वगैरह आ सकता है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, माउंटेन्स दे देता हूँ, माउंटेन डिज़ाइंस मिनिमलिस्ट फॉर टी शर्ट, अब जेनरेट। एंड इन सभी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप एक्सेस कर सकते हो। अब देखिए, बस माउंटेन्स का डिज़ाइन आ गया। अब एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, ये है Firefly इमेज मॉडल 2, यानी न्यू वर्जन है। हम पुराना वर्जन अगर यूज़ करें इमेज 1 तो हमें अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि मैं करता हूँ जेनरेट पर, सेम प्रॉम्प्ट सेम सब कुछ, मगर मॉडल वर्जन डिफरेंट। देखिए कितना कूल लग रहा है ये वाला डिज़ाइन। तो मैं अभी मॉडल 1 यूज़ करने वाला हूँ, एंड ये ज़्यादा सेफ है, ये और भी ज़्यादा सेफ है अगर मॉडल 1 यूज़ करेंगे तो। तो ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसे मैं कर लेता हूँ सेव। बाद में इसका बैकग्राउंड रिमूव करके हम टी शर्ट में लगाने वाले हैं। तो ये वाला तो सबसे अच्छा लगा, काफ़ी यूनिक है। उसके साथ आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जेनरेटिव फिल कैसे काम करता है, या फिर टेक्स्ट इफेक्ट भी आपको मिल जाता है। आप बहुत सारे AI टूल्स का यूज़ कर सकते हो, एंड ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, मतलब Adobe हमें स्पॉन्सर क्यों करेगा। अच्छा लगा इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट इफेक्ट पे चलते हैं, जेनरेट पर।
तो हम टेक्स्ट डाल लेते हैं, मान लेते हैं कि आप टी शर्ट बनाएंगे टेक्स्ट के बेस में, आपके ब्रांड के बेस में। तो मेरा अपना टेक्स्ट लिख देता हूँ TARIKNZ, ओके। अब हम इस टेक्स्ट को कैसे चेंज करने वाला है, टेक्स्ट कैसा लगने वाला है, तो मैं लिखने वाला हूँ टेक्स्ट को नियॉन कलर में, नियॉन कलर्स, ओके। अब हम करेंगे जनरेट पर, अब देखना मैजिक, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, अभी देखना कैसे चेंज हो जाएगा। देखिए कितना कूल लग रहा है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से लोडिंग हो रहा है, अभी हमारा टेक्स्ट पूरा का पूरा चेंज हो गया। ये आप देखिए अभी भी लोडिंग हो रहा है, तो मैं, मेरे पास एक और आइडिया है, नियॉन कलर्स की जगह नियॉन लाइट्स डाल देते हैं एंड फिर से करते जनरेट। अब देखिए हमारा टेक्स्ट पूरा का पूरा नियॉन कलर में आ गया। आप चाहे तो और भी प्रॉम्प्ट सैंपल यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स है, स्नेक है, ड्रिफ्ट वुड है, वायर से, आपको जो भी पसंद आए आप कर सकते हैं। इसको भी आप कर सकते हैं सेव, तो मैं कर लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है आपको दिखाते हैं वन क्लिक में। तो हमने काफ़ी सारे डिज़ाइंस ऐड कर लिए। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं remove.bg, ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो हमने जो स्क्रीनशॉट दिया था ये वाला, इसका हम करेंगे बैकग्राउंड रिमूव। तो मैंने बस अपलोड कर दिया एंड कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरे का पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, ओके। रिमूव हो गया बैकग्राउंड, अभी से हम कर लेते हैं डाउनलोड, डाउनलोड हो गया। अब देखेंगे ये सारे डिज़ाइंस को कैसे चेंज करना है ताकि आपको बिल्कुल भी कॉपीराइट ना आए, हम बिल्कुल सेफ खेलेंगे। इसके लिए हम यूज़ करने वाले कैनवा का, कैनवा भी फ्री है, फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो कैनवा पे सर्च करने आपको टी शर्ट, मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आप कोई भी कस्टमाइज कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन है। मगर अगर अपना खुद का यूनिक डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप AI का यूज़ कर सकते हैं। ये सभी पहले बहुत सारे लोगों ने साथ यूज़ करके रखा है, मगर आप इनमें से भी चेंजेस कर सकते हो। ये वाला मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा है एंड बाकी सारे भी अच्छे हैं। तो चलिए हम एक वाइट बोर्ड ले लेते हैं, मतलब कोई भी एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, कोई भी ये वाला ले लेते हैं एंड इसका हम करेंगे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट एंड इसका सारा एलिमेंट हम करने वाले डिलीट, सबको डिलीट कर देंगे। अब हम हमारा डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर अपलोड, ओके। हमने जो बैकग्राउंड रिमूव किया था ये वाला, यहाँ पर कर लेते हैं अपलोड। तो ये रहा हमारा डिज़ाइन, आ गया यहाँ पर। अब थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं, तो हम कोई एलिमेंट ऐड करने वाले, यहाँ से एलिमेंट पर आते हैं, यहाँ से ये वाला क्राउन वाला एलिमेंट डाल देते हैं यहाँ पर, आप डाल सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे करके, कोई भी कलर डाल सकते हैं या फिर कोई और चीज़ डाल के देखते हैं एलिमेंट्स पे। ये वाला डालते हैं, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको हम करेंगे बैकग्राउंड में एंड इसको हम करेंगे अब ब्रिंग बैक, यानी पीछे चला जाएगा। तो ये वाला मैं बस आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कैसे आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते ताकि बिल्कुल भी कॉपीराइट ना आए। एंड ये वाला टाइगर भी काफ़ी कूल लग रहा है, ये वाला भी आप ऐड कर सकते हैं, मेरे को और भी डिज़ाइन्स मिल जाते हैं। ये वाला तो और भी कूल है, तो इसको हम कर लेते डिलीट एंड ये वाला फाइनली ऐड कर लेते, और अभी हम चेंज नहीं करने वाले हैं। ये वाला बढ़िया, इसको एक और भी चीज़ कर सकते हैं ऐसे छोटा करके, इस टाइगर को आगे कर सकते हैं, तो ये और भी ख़तरनाक दिख रहा है। तो ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन को कोई बोलेगा नहीं हमने AI से बनाया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसे करेंगे शेयर, डाउनलोड एंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, हम इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने वाले। मगर ये कैनवा प्रो के लिए, अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, फ्री में मिल जाएगा, उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंट का मिल जाएगा। मैं फुल बात नहीं कर सकता वरना वीडियो अभी टेक डाउन कर दिया जाएगा, तो आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना एंड डाउनलोड कर लेना। तो हमारा PNG डाउनलोड हो चुका है, इसका बैकग्राउंड नहीं है। अब इसे एक टी शर्ट पर डालकर देखते कैसा दिख रहा है। अब देखिए जो हमने डिज़ाइन किया है उसका एक मॉकअप बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले टी शॉप पर, आप कोई भी मॉकअप बना सकते हैं। मैं टी शॉप पर आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ, चूज़ फाइल एंड हमने वो डिज़ाइन जहाँ से हमने कैनवा से बनाया था, कैनवा से एक्सपोर्ट किया था, और डिज़ाइन हम करने वाले अपलोड। तो अपलोड हो चुका है, ये वाला डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो, ओके। इस तरीके से आपको दिखेगा, आप टी शर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो ऐसे करके, जो कलर भी आपको अच्छा लगे, ब्लैक में भी अच्छा लग रहा है, इसका आप साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हो ऐसे। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने टी शर्ट का डिज़ाइन वगैरह, फ्रंट में भी आप बैग में भी डिज़ाइन डाल सकते हो एंड टी शर्ट के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो इस तरह से कुछ अपने एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल भी कॉपीराइट फ्री एंड हमने सब कुछ AI से बनाया है, ओके। अगर आपको टी शॉप के बारे में ज़्यादा जानना है, कैसे टी शॉप में अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, 10 मिनट के अंदर आपका ऑनलाइन एक बिजनेस बना सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में, तो आप हमारे ये वाला वीडियो जरूर से देखिए, सब कुछ बताया, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। चलो अब बात आते हैं गिव अवे विनर्स की, हम गिव अवे विनर सिलेक्ट करने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं pickawinner.com, इस पेज को मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो इस वेबसाइट से आप कोई भी गिव अवे विनर चूज़ कर सकते हैं कॉमेंट से।
सबसे पहले इस वीडियो को लिंक को करेंगे कॉपी यहाँ से एंड रैंडम कमेंट फिगर पे आएंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट ये वाला वीडियो। मैं प्ले कर कर भी दिखाता हूँ कि ये सेम वीडियो ही है, ये वाला वीडियो तो देख सकते हैं ये सेम वीडियो ही ये वाला वीडियो है। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया, ये वाला लिंक हम करेंगे कॉपी ऐसे एंड करेंगे यहाँ पर पेस्ट। सेम ही वीडियो है, यूआरएल डिफरेंट है थोड़ा बहुत, तो फेच करेंगे एंड डुप्लीकेट कमेंट्स को हम अलाउ नहीं करेंगे। जिन लोगों ने एक से भी ज़्यादा कमेंट किया, यानी ऐसा नहीं कि आपने 10 कमेंट किया 10 को ही पिक करेंगे, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने एक से ज़्यादा कमेंट किया उन लोगों को हम पिक नहीं करेंगे। ओके, अब हम करेंगे कंटिन्यू। एंड एक और बात, जिन लोगों ने तारिक जीए वाला कीवर्ड डाला है उनको हम पिक करने वाले, तो कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा फर्स्ट गिव अवे विनर है। तो हमारे टोटल 50 कमेंट्स आए, तो हम अभी पिक विनर पर क्लिक करते हैं। तो कौन है हमारा विनर? 3, 2, 1, हमारा फर्स्ट विनर है गोविंद बेलू, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया है, मगर इनका कमेंट है, इज़ दैट पॉसिबल ए प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया मार्ट और उडान और अली एक्सप्रेस कैन बी एबल टू सेल ऑन वेबसाइट शॉपिफाई स्टोर? तो इसका आंसर है येस, आप इंडिया मार्ट, आप अली एक्सप्रेस का प्रोडक्ट शॉपिफाई पे ऐड कर सकते हो। मगर सैड न्यूज़ ये है कि इन्होंने तारिक जी कमेंट नहीं किया, तो इसे हम पिक नहीं कर सकते। हम करेंगे एक और विनर, इसे करेंगे पिक का विनर पर, देखते हैं। हमारा सेकेंड विनर है कुलदीप गोला। ओके, कुलदीप गोला विनर है हमारे टी शर्ट का, तो इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। टोटल हमने 3 विनर सिलेक्ट करने हैं, एक और विनर करते हैं पिक अ विनर पर। सेकंड विनर है पीएम स्टेटस जोन, इन्होंने भी तारिक जी कमेंट किया, इसको हम कर लेते हैं स्क्रीनशॉट। एंड हमारा फाइनल विनर है, देखते हैं हमारा फाइनल विनर कौन है। पिक अ विनर पर क्लिक करते हैं, यूज़र PED4। ओके, इनका नाम अभी नहीं आ रहा, मगर इन्होंने भी कमेंट किया तारिक जी, तो इन तीनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा यूट्यूब पर, आपको अपना रिप्लाई देना है, इस ईमेल पर आपको कॉन्टैक्ट करना है ताकि हम दे सकें स्क्रीनशॉट के साथ। तो देखते जब आपके घर पे टी शर्ट डिलीवर हो जाएगा तब हमें इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर से करना, एंड एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर आपके घर पर आ जाएंगे। मगर उससे पहले आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपका ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, या फिर आप हमारे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।